कि क्वांटिटी के क्वेश्चन में लास्ट क्या करवाया था, लास्ट वाला जो पॉइंट करवाया था, क्या था? अच्छा, के लाइज बिटवीन रूट्स, कौन सी कंडीशन को पॉइंट लिखवा रहे थे, सातवां था, कौन सा था? नहीं, हम पॉइंट लिखवा रहे थे, जैसे के लाइज बिटवीन रूट, तो कोई नंबर लिखा होगा, 6 या 7 पॉइंट, ग्रेटर देन के, और ये कंडीशन है 8वीं, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के। जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा। जैसे ये कहो, एक एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे ये कहो कि गो थ्रू आर ग्रेटर देन 6, तो रूट क्या क्या हो सकते हैं, दोनों रूट 6 से बड़े हैं, दो रूट आर ग्रेटर देन 6, तो रूट्स क्या हो सकते हैं, दोनों 6 से बड़े हैं, तो 7 और 7 ऐसे भी हो सकते हैं, या ऐसे भी हो सकते हैं 7 और 8। तो पहली कंडीशन क्या होगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जैसे इक्वल हो गए तो इक्वल टू 0, और डिस्टिंक्ट है तो ग्रेटर देन 0, तो इसको ये कंडीशन लगेगी। दूसरी ये लगेगी, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन k, जैसे इसमें दो कंडीशन है, एक तो ऐसा हो सकता है जब दोनों रूट हैं, तो ये हो सकता है, ये वाला पैराबोला हो सकता है या ये वाला हो सकता है, ये पॉजिटिव के लिए, क्योंकि दो जगह कट करेगा, जैसे दो रूट है तो दोनों k से बड़े, तो k कहाँ होगा, दोनों रूट के से बड़े हैं, हाँ तो के कैसे शो करेंगे, एक्स वैल्यू के, दोनों रूट के से बड़े हैं तो के यहां होगा, दोनों रूट के से बड़े हैं तो के यहां होगा, क्योंकि अल्फा भी ग्रेटर है और बीटा भी इससे ग्रेटर है, तो इसमें ए पॉजिटिव होता है और एस के का मतलब क्वांटिटी की वैल्यू, तो एस जब ग्राफ ऊपर है ना, तो के पर क्वांटिटी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, और इसमें क्या होगा, इस वाले केस में ए नेगेटिव होगा, और के पर क्वांटिटी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ ये एफ के हो गया, ये होगी नेगेटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट इसमें क्या आएगा, ए और एफ के का प्रोडक्ट, ये पॉजिटिव आएगा, इसमें पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ए भी नेगेटिव और एफ के भी नेगेटिव, दोनों के साथ पॉजिटिव आएगा, तो एक कंडीशन लगाएंगे ग्रेटर देन 0। तीसरी ये कंडीशन लगाते हैं, अल्फा लेस देन के, अल्फा ग्रेटर देन के है, अल्फा भी ग्रेटर देन के है और बीटा भी ग्रेटर देन के है, किसी कंडीशन नहीं लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, ग्रेटर देन 2k, और इसकी जगह रख देंगे माइनस पी अपॉन ए। वैसे तो ये काफी बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें तीन कंडीशन लगाएंगे, पहली, दूसरी और तीसरी। अब इन तीनों में जो कॉमन वैल्यू आएगी, जैसे ये आएगा पहली कंडीशन लगा के, सपोज ये आ रहा है 1 से 2 तक,
आ रहा है पहले में सपोज, फिर आ रहा है इसमें जैसे ये हो गया यहाँ पर, जैसे ये है 3/2, तो एक आएगा यहां से 3/2 से 5 तक जैसे ये, और एक तीसरा आएगा। तो जैसे इन दोनों में तक यहाँ तक ये कॉमन है, तो तीनों में कॉमन दिख रहा होगा। तो एमसीक्यू के हिसाब से तो काफी वैसे क्वेश्चन है, लेकिन हो सकता है थ्योरेटिकल कोई क्वेश्चन आ जाए इस तरीके का, जैसे ये आधार दो छोटा डेटा डाल दिया और ये कंडीशन लिख ली हो क्वेश्चन में, या ये तीन लिखी हो एक चौथी गलत लिखी होगी कि कौन सी इनकरेक्ट है। इसी के साथ साथ ये भी कर लो, जैसे बोथ रूट्स आर लेस देन के, बोथ रूट जब के इधर हो तो क्या कहेंगे के यहाँ है, तो दोनों रूट इससे कम हुए तो यहाँ पर लेस आ जाएगा बस, तो वो इसी से लिखवाते हैं बोथ रूट्स आर लेस देन के। पहली कंडीशन यही रहेगी, दूसरी भी यही रहेगी, तीसरी में यहाँ लेस हो जाएगा बस, तो वो यहीं से करवाते रहे थे एग्जाम्पल बताया था। नहीं देखो दोनों रूट जैसे 6 से छोटे हैं तो 5/5 भी हो सकते हैं और 5/4 भी हो सकते हैं, तो ये तो पहली कंडीशन हो गई। अब के यहाँ पे आ जाओ, यहाँ है तो a^2 के क्या होगा पॉजिटिव, क्योंकि ये ऊपर आ गया ना, तो ए तो पॉजिटिव है, तो इसमें यहाँ जाओ के तो ए टू एफ के ए भी नेगेटिव, हाँ तो दूसरी कंडीशन यही रहेगी, यहाँ लेस हो जाएगा बस, जैसे बोथ रूट्स आर लेस देन के, तो पहली कंडीशन यही रहेगी b^2 - 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ए टू एफ के ग्रेटर देन 0 अल्फा लेस देन के बीटा लेस देन के, तो इससे आ जाएगा इंटरप्रेस करेंगे लेस देन 2 के, तो -b/a लेस देन 2 के। हां नंबर पॉइंट ये नोट कर लो, हम 2021 के निकाल रहे हैं तुम्हें, जब नोट कर लो बता देना। ये हमने ऐसा बताया था के लाइन बिटवीन नोड्स ऐसी कंडीशन, तो बिल्कुल इसी तरह सॉल्व करना है, तीनों में कॉमन, तीनों को सॉल्व करके कॉमन कर लो।
हाँ नोट कर चुके, गिफ्ट वाला कर चुके इधर। हाँ दसवां पॉइंट बताएं, दूसरे पॉइंट में ये है ग्रुप्स ऑफ यूनिटी। कभी सुना ही नहीं यूनिटी का मतलब वन, यूनिटी का मतलब वन, क्यूब रूट का मतलब इसकी पावर 1/3। इसे हिंदी में कहते हैं इकाई के रंग, कोई है इसमें हिंदी का ना? हाँ ये दसवां पॉइंट बता रहे हैं क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन में, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यूनिटी का मतलब वन, क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3, इसकी वैल्यू निकालना। तो इसे ऐसे हम एग्जीक्यूट कर लेंगे एक्स, अब एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, 1/3 की वैल्यू निकालना है, तो इसे हमने एज्यूम कर लिया एस, इसका मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो इसे क्या लिख सकते हैं 1 × x³, पावर इधर लेंगे तो 1/3 की पावर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, फिर 1 इधर लेंगे तो x³ - 1 = 0, इसके फैक्टर क्या होंगे, a³ - b³ वाली आइडेंटिटी है, 9th क्लास में थी ये, तो एक तो पहला फैक्टर 0 के ऊपर लग गए, तो इससे एक्स की वैल्यू आएगी 1। अब ये ले x² + x + 1, ठीक है, अब इससे वैल्यू जब निकालेंगे तो क्वाड्रेटिक फॉर्म से निकालेंगे क्योंकि वैसे इसके फैक्टर नहीं होंगे, तो x = क्या आएगा -b, b भी 1 है, डायरेक्ट में a b c तीनों 1 है, ये क्या आएगा, आगे आएगा 1 - 4, तो अंडर रूट -3, अब अंडर रूट में नेगेटिव तो पता होगा ये इमेजिनरी नंबर होते हैं, तो अंडर रूट -3 को कैसे लिख सकते हैं ±i√3, आई अंडर रूट -3 को आई लिख सकते हैं, तो i√3/2, तो -1 इसे अलग अलग लेते हैं +i√3/2, तो इसे एज्यूम कर लिया है ओमेगा, और जब इसका स्क्वायर करोगे ना ये तो ओमेगा हो गया, जैसे ओमेगा इज इक्वल टू ये होगा -1 + i√3/2, ये तो हो गया ओमेगा, और जब इसका स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर क्या आएगा 3i², i² -1 होता है, तो -3 नहीं -2ab, तो -2i√3/4, यही आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -2 - 2i√3/4, ये 2 कैंसिल हो गया आ जाएगा, उनका मतलब कैंसिल -1 - -i√3/2। तो जैसे इसे तो ओमेगा एज्यूम कर लिया था, ठीक है, तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर, मतलब इसे अलग से एज्यूम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब कुछ पॉइंट्स लिख रहा है, ये तो पूरी हमने थ्योरी बता दी, कुछ पॉइंट लिख रहा है वो याद रखना, जैसे पहला पॉइंट है रूट्स ऑफ x² + x + 1, आर ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर,
ये याद रखना इस क्वेश्चन के रूट होते हैं ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वेयर ओमेगा इज इक्वल टू आई वैल्यू याद रखना माइनस वन प्लस आई रूट थ्री अपॉन टू ये बता दें तो तुम नोट भी मत करना ये तो बताया था ओमेगा इसे एज्यूम कर लिया तो इसे एज्यूम करने की जरूरत नहीं है ये इसका स्क्वायर बन जाएगा अब तो ये नंबर पॉइंट से याद रखते हैं अभी इसको क्वेश्चन कर पा रहे हैं 2020 में जी ईमेल में भी आया था जहाँ ओमेगा तो ये होता है और ओमेगा स्क्वायर ये होता है एक तो भाई ये पॉइंट ये इक्वेशन है स्पेशल इक्वेशन है ये कभी ऐसे आ जाए दूसरा पॉइंट इसी में टेंथ वाले में दूसरा पॉइंट ये अच्छा इधर दिखाई नहीं दे रहा होगा यहाँ तक तो दिखाई दे रहा है तो ये नोट कर लो पहले इधर मेन पॉइंट सब ये याद रखना है तुम्हें ये जो लिखना है बता रहे हैं ये जब यहां तक लोग बता देना इधर से नोट कर लिया ये क्या इधर भी दिखाई नहीं दे रहा यहाँ तो चलो पहले इधर लिख दो क्योंकि इसमें अभी इसकी जरूरत पड़ेगी जब आगे पढ़ तो ये जो इक्वेशन है इसके रूट होते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की वैल्यू होती है ओमेगा स्क्वायर ही होता है दूसरा पॉइंट है यहाँ देना लिखा है दूसरा पॉइंट है ओमेगा क्यूब होता है वन देखो ओमेगा इसका रूट था ये इसी का रूट थे किसी के क्या रूट आए थे इसी के तो रूट थे ओमेगा ओमेगा स्क्वायर तो यहां रख सकते हो तो रूट जो है सेटिस्फाई करता है जैसे ओमेगा क्यूब करोगे ना तो तरफ का क्यूब जो इधर बन ही आएगा तीसरा पॉइंट है वन प्लस ओमेगा स्क्वायर ये होता है जीरो देखो ये वन एक तो वैल्यू आई थी वन और एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर इन तीनों प्लस करोगे तो जीरो आ जाएगा नहीं वन और इसे या यहां से समझ लो इसके रूट क्या था ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर तो ओमेगा यहाँ पर वो सही आएगा ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा और वन इन तीनों को ऐड करोगे तो जीरो आता है कभी ये काम ना कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी ये जो हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी निकाली तीन आए थे वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर तो इनमें कॉम्प्लेक्स कौन से थे तो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर अल्फा एंड बीटा जैसे क्वेश्चन में ये कहा तो इनमें से एक होगा ओमेगा ये अपने आप में ना होगा क्योंकि एक होगा ओमेगा स्क्वायर जैसे यहाँ ये कहा होगा कि जो इक्वेशन है इसके रूट अल्फा बीटा ही कहा होगा तो तुम्हें पॉइंट याद रखना है एक ओमेगा होगा एक इसमें ओमेगा स्क्वायर तो वन की पावर एक और पॉइंट बता रहे हैं जैसे वन की पावर वन अपॉन थ्री की तीन वैल्यू आई थी क्या आई थी इन्हें सॉल्व करके क्या था वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर तो कभी ऐसा आ जाए ना जैसे एट की पावर वन बाई थ्री तो पहले तो वैल्यू तुम लिखना जानते ही हो टू की पावर थ्री लिख के टू दूसरी होगी टू ओमेगा तीसरी होगी टू ओमेगा स्क्वायर
ये इन तीनों का क्यूब करोगे तो एट आएगा, इसका मतलब ये होता है इसका क्यूब करोगे तो आएगा एट ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब होता है ना, इसमें दो तो कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये रियल है। इतना तो मैं रियल का तो पढ़ा था, कॉम्प्लेक्स दो वैल्यू और होते हैं कॉम्प्लेक्स होते हैं। हाँ ये नोट करके बता दो, ये पांच पॉइंट याद रखते हैं, इसमें क्वेश्चन करवा रहा है। ये पांच पॉइंट तो मैं याद रखते ही वाले, वो तो हमने थोड़ी समझा दी थी कि कैसे कैसे आया। ये तुमने उसके डाउट नहीं पूछे सीक्वेंस सीरीज के? कुछ क्वेश्चन हमने दिए भी थे, हो गए मतलब अभी तक कोई डाउट नहीं है। अभी नोट नहीं करा था क्या? अब क्वेश्चन करवा रही है, जेई मेन को लेकर किसके लिए आया था ये इफ एफ एक्स एंड टी एक्स आर टू पॉलिनोमियल्स सो दैट Px is equal to fx cube plus x gx cube is divisible by x square plus x प्लस वन देन पी वन इज इक्वल टू पी वन इज इक्वल टू अब इसके हाँ ये क्या है इसके रूट्स क्या होते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ये क्वेश्चन में नहीं कहा होगा इसीलिए का ये पॉइंट याद कर लेना तो पी एक्स जो है वो इससे डिविजिबल है इसका मतलब क्या है नहीं इसके जो रूट्स हैं वो इसके भी होंगे इसका मतलब ये है
जैसे ये जो है तीन एक्सिस से डिविजिबल है, डिविजिबल का मतलब रिमाइंडर जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब है जो इसके रूट्स होंगे वो इसके भी होंगे। या अगर समझ में, तो इसके रूट होते हैं ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, दोबारा लिख देना है। इसके रूट्स होते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो ये इससे डिविजिबल है, इसका मतलब इसके भी रूट ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है। तो इसमें एक्स वैल्यू ओमेगा रखें, एक्स की जगह ओमेगा रख सकते हैं, और ओमेगा क्यूब क्या होता है वन, तो एफ वन प्लस ओमेगा जी वन। अब रूट पे जो वैल्यू आती है वो किसके इक्वल होती है, जैसे हमने ये रूट रख दिया, इसका रूट ओमेगा है तो ये वैल्यू आई, तो ये किसके इक्वल होती है, हाँ जीरो के इक्वल होती है, रिमाइंडर ही तो आता है, ये रिमाइंडर क्या होता है जीरो। तो इसका मतलब ये होगा एफ वन प्लस ओमेगा जी वन, ये जो वैल्यू आई किसके इक्वल होगी जीरो के। डिविजिबल का मतलब ये जो होता है जो इसके रूट है वो इसके भी रूट होंगे, इसके और एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं लेकिन ये दो तो होंगे ही होंगे। और रूट का मतलब क्या होता है, जैसे एक्स वैल्यू यहाँ ओमेगा रख दो तो वो जो वैल्यू आई किसके इक्वल होती है जीरो के, रूट का ही तो मतलब होता है रिमाइंडर जीरो, रिमाइंडर यही तो आता है। अब ओमेगा स्क्वायर भी रख सकते हो, ओमेगा स्क्वायर अब रखना है ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा ओमेगा की पावर से ओमेगा स्क्वायर का क्यूब, ये ओमेगा स्क्वायर जी ओमेगा की पावर सिक्स, ओमेगा की पावर सिक्स की वैल्यू क्या होगी ओमेगा क्यूब भी वन होता है, ओमेगा की पावर सिक्स भी वन होता है, क्योंकि ओमेगा क्यूब का स्क्वायर ही तो हुआ, ओमेगा की पावर नाइन ये भी वन होता है, तो ओमेगा और थ्री का मल्टीपल अगर पावर में तो वन होगा, तो इसकी क्या आएगी एफ वन, यहाँ आ रहा है सब में यहाँ लिखना प्लस ओमेगा स्क्वायर जी वन क्या होगा जीरो। अब जैसे एक्स और वाई में दो इक्वेशन है, ये एक्स है ये वाई है, तो कैसे सॉल्व करते हैं एक्स और वाई में दो इक्वेशन हो तो, ये एफ वन ले लो एक्स, ये ले लो वाई, तो एक तो माइनस कर दो, ठीक है एक तो माइनस कर दो, तो वन माइनस टू ये लिख लेते हैं यहाँ, ये जो है जेई मेन 2021 में आया था मार्च में, अब जैसे एक्स और वाई में तो इक्वेशन है तो अगर माइनस कर दो तो ये एफ वन ये कैंसिल हो जाएगा, जी वन की वैल्यू आ जाएगी, तो हम कर रहे हैं वन माइनस टू, तो ये आ जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू जी वन इक्वल टू जीरो। अब आगे बताया ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बताई थी ना, माइनस वन प्लस हाई रूट थ्री अपॉन टू, और ओमेगा स्क्वायर की माइनस वन माइनस हाई रूट थ्री अपॉन टू, तो ये मतलब जीरो नहीं होगा, वो वैल्यू देख लेना माइनस करके, ये जीरो नहीं इक्वल नहीं होगा, तो ये जीरो नहीं होगा, तो इसका मतलब जी वन जीरो होगा। जब दो का मल्टीप्लाई जीरो है उनमें से एक जीरो लेंगे तो ये डेफिनेट है दूसरा जीरो होगा। अब जी वन की वैल्यू यहाँ रख दो जीरो तो एफ वन क्या जाएगा, हाँ पहले क्वेश्चन में रख दो जी वन की जगह जीरो तो एफ वन क्या आएगा जीरो, इसने पूछा है पी वन, ये पी ए है तो यहाँ रख देंगे वन, तो पी वन एफ वन प्लस जी वन और ये दोनों जीरो है, तो ये जीरो आ जाए दूसरा ऑप्शन। बस वो एक दो चीजें याद रखनी है, ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एच प्लस वन इसके रूट्स होते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा क्यूब होता है वन, और ओमेगा की पावर सिक्स ओमेगा की पावर नाइन सब वन होते हैं, एक वो था वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो,
एक लास्ट था 1 की पावर 1 अपॉन 3 होता है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, जो 8 की पावर 1 अपॉन 3 को लिखेंगे 2 ओमेगा, पहले तो वो लिख देना फिर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का मल्टीप्लाई। तुम ये 5 मिनट लिख लेना बस, वो तो बाकी हमने समझाए थे कैसे कैसे क्यों आते हैं। ये आगे सामने क्वेश्चन कहां तक नोट कर लिया है? हाँ ये मिटा दें, एक और करवा रहे हैं इसी के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन आर अल्फा एंड बीटा। फाइंड इक्वेशन whose roots are alpha की power 19 and beta की power 16। अगर कुछ ऐसा देखो power अजीब सी, जैसे 19 16 में आपस कोई relation नहीं है या तो equal होती, तो ये ओमेगा वाले क्वेश्चन होते हैं क्योंकि ओमेगा की कोई भी पावर हो वो सिंपल हो जाती है। अब जैसे इसके रूट्स क्या होते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एच प्लस वन आर ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, लेकिन ये क्वेश्चन ये वाली नहीं है। ये क्वेश्चन ये है कि एक्स की जगह माइनस एक्स रखते तो वन नहीं है, अगर इसमें ऐसे माइनस एक्स रखते तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, तो ऐसे अगर माइनस एक्स रखने पर ये क्वेश्चन बन रही है तो रूट का भी नेगेटिव हो जाता है, तो इसके रूट क्या होंगे, हाँ माइनस ओमेगा, और इसलिए ये भी याद रहेगा इसलिए करवा दिया है। हाँ इसके रूट होंगे माइनस, जब एक्स अगर माइनस एक्स रखने पर जैसे ये क्वेश्चन है इसमें कन्वर्ट हो गई तो इसके रूट का भी नेगेटिव हो जाता है, इसके रूट ही होगा नहीं, ये माइनस ओमेगा का स्क्वायर ऐसे नहीं है, नेगेटिव कर दो बस इसका, नहीं ये नहीं है ब्रैकेट में, जैसे इसके रूट है 1 and 4 तो -1 और -4 ऐसे ये भी स्क्वायर है 2 का, तो इसके रूट ये होंगे। अब इसमें से एक हो गया अल्फा, जैसे अल्फा तो हो गया माइनस ओमेगा, एक हो गया बीटा, अब अल्फा की पावर 19 मतलब माइनस ओमेगा की पावर 19 तो कितना आएगा ये
माइनस ओमेगा की पावर 19 क्योंकि ऑड है। अब ओमेगा क्यूब बनाते हैं, ओमेगा क्यूब वन होता है, हाँ वो किसी से चार करते हैं, जैसे आई की पावर 4 तुम बनाते हो कॉम्प्लेक्स नंबर में आई की पावर 4, तो ओमेगा क्यूब की पावर 6 इनटू ओमेगा, तो ये आ जाएगा माइनस ओमेगा, ये तो बन गया ही आएगा। इसी तरह इसे चार करो, बीटा ये तो बीटा की पावर है 16, होगा माइनस ओमेगा की पावर 16, नहीं बीटा की पावर 16 है ना, नहीं दोनों तरफ 16 लिखोगे ना पहले, ये है ना बीटा, ये है इसकी पावर 16, जो जाएगा ओमेगा की पावर 32, ठीक है। अब ओमेगा क्यूब बनाओ, तो ओमेगा क्यूब की पावर 9, 10, 10 लेना, और इंटू ओमेगा स्क्वायर, हाँ तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर। अब वो इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स हैं, तो इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू सम ऑफ रूट्स, मतलब इनको प्लस करते हैं और प्लस इनका प्रोडक्ट, तो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा माइनस ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब होगा वन, और यहाँ ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू रख के सॉल्व कर लेना, जैसे ये अलग से सॉल्व कर लो पहले, जैसे ओमेगा क्या बताया था, ओमेगा था ओमेगा की वैल्यू क्या थी माइनस वन प्लस